अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा संघ पहुंचे विधायक रवि जोशी झुमा सोलंकी के पास और अपनी मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन, बताई पीड़ा। खरगोन शहर में अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा विगत 7 दिवसों से अपनी स्पष्ट मांगों को लेकर आंशिक आंदोलन कर रहा है, जिसमें नवीन कलेक्टर भवन में प्रशासन को ज्ञापन सौंप चुके हैं एवं पुनः स्पष्ट रूपित मांगों को लेकर अलग अलग जनप्रतिनिधियों के पास पहुंच रहे हैं, जिससे पहले वे पूर्व विधायक बालकृष्ण पाटीदार के पास पहुंच चुके हैं और सौंपा था ज्ञापन। इस कड़ी में आंदोलन को और सुदृढ़ करते हुए आज पहुंचे खरगोन विधायक रवि जोशी, भिकनगांव विधायक झुमा सोलंकी एवं भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र राठौड़ को देने ज्ञापन। इनकी मुख्य मांगों में महंगाई भत्ता आदि स्वरूपित मांगे सम्मिलित है, जिस पर विधायक रवि जोशी जी ने उनकी मांगे शासन तक पहुंचाने की बात कही और कहा कि यह सारी मांगे इनका अधिकार है और वो इन्हें मिलना ही चाहिए। मेरे साथी विधायकों को लेकर मुख्यमंत्री जी से चर्चा करें कि जो कर्मचारी अधिकारियों के महंगाई भत्ते रुके हुए हैं, इस महंगाई के दौर में कमर तोड़ महंगाई है, मध्यम वर्गीय कर्मचारी के साथ सबसे बड़ा खराब समय है। इस महंगाई के दौर में सारे मैं विधायक साथियों को लेकर मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा और आपकी जो 3 सूत्री मांगे, तीनों मांगों को तत्काल प्रभाव से लागू करें, माने और कर्मचारियों के हित में लागू करें। 5% कांग्रेस की सरकार ने आप लोगों को महंगाई भत्ता स्वीकृत किया था, जो सरकार बाद में बदली, उस सरकार ने रोकी, उसको भी रिलीज कराएंगे और केंद्र सरकार का जो 11% है वो जोड़कर 16% आपके हित में लागू हो, इसका प्रयास करेंगे और उस प्रयास में कहीं ना कहीं आपकी भी आवश्यकता लगी तो भोपाल आप लोगों को बुला के मुख्यमंत्री और सरकार से पूरी ताकत से डट कर बात करेंगे, डट के लड़ेंगे और आप लोगों के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी और मैं व्यक्तिगत खड़ा हूँ। जब भी आपको ज़रूरत हो, इस कोरोना काल में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने और आपके अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारियों ने जो सेवाएं दी है, उसमें जिन परिवार के प्रमुख लोगों की जो शासकीय सेवा में थे मृत्यु हो गई, तो उनके भी परिवारों को जल्दी से जल्दी अनुकंपा नियुक्ति यथायोग्य शिक्षा के आधार पर मिले, यह हमारा प्रयास। डिजियाना न्यूज़ निमाड़ रिपोर्ट, खरगोन।